महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप। आप जो है इतना अंदर झांकिए थोड़ा, आप क्यों इतना बबक गई, उतना देर से बोल रहे थे, शब्दों की मर्यादा रखिए, सुन लीजिए, नहीं नहीं सुनना पड़ेगा, आप अपनी मर्यादा भी रखिए, बिल्कुल नहीं चलता है। क्या बात है सर, क्या बात है, मैं समझ सकता हूँ आपकी आपकी परेशानी, समझ सकता हूँ, लेकिन गोदी मीडिया यानी कि अंजना ओम कश्यप, कांग्रेस प्रवक्ता ने सिर्फ एक वीडियो दिखाया और भड़क उठी अंजना ओम कश्यप। अच्छा तो देखते हैं वीडियो, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, किस तरह गोदी मीडिया गोदीगिरी पर उतर आई तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिक्चर चालू करो बे। आदमी कब वीडियो बनाता है, जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड कर लो इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे, तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। ये फंस गया सीएम जी, एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चला, सिर्फ 12 सेकंड। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है, ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। बस ये समस्या यहाँ से हुई है, ये जो अभी 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 जो ये चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है, क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए, संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज। वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया, अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। बात तो सही है। ये 143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के प्रजातंत्र की नींव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां ना तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी मिल पाते। आप सुनिए ना, रुई डाल लिया था आपने, रुई डाल लिया था आपने, जली ना तेरी भी जली ना, ये कौन दिखा रहा है, इस पर प्रश्न जो चल रहा है उसको उसकी अनदेखी कर दे। पहला प्रश्न 143 सांसदों पर था, 5 सेकंड का नहीं बोला मैंने मीडिया पर, आप जो है इतना अंदर झांकिए थोड़ा, आप क्यों इतना बबक गई, गजब बेइज्जती है, उतना देर से बोल रहे थे, शब्दों की मर्यादा रखिए, सुन लीजिए, नहीं नहीं सुनना पड़ेगा, आप अपनी मर्यादा भी रखिए, बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल बात हो रही है, बात की तरह, बिल्कुल बात की तरह, 5 सेकंड नहीं हुआ आपको, इतना दिक्कत हो गई, 5 सेकंड नहीं हुआ कि मीडिया पे आ गए, समझ बहन डर गई, बहन डर गई, सवाल का जवाब दीजिए, पहला सवाल किसने पूछा, आपको कोई दिक्कत नहीं, अजय उपाध्याय पहला सवाल किसने, मैंने क्या पूछा हूँ आपकी, पहला सवाल परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा राइट है यहाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जिस तरह से पहला सवाल मैंने क्या पूछा था, आप यहाँ से भी कह दीजिए, पहला सवाल मैंने क्या पूछा था, क्या सवाल आपने पूछा था, उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैंने उनसे यही पूछा था कि आप उस मुद्दे को गौण करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्यों दोनों मुद्दे उठाए हमने, आप दिखा रही हैं, दोनों मुद्दे उठाए ये मिमिक्री, क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर पीएम लिख रहा है, राहुल गांधी जी के वीडियो से नहीं आया है, नहीं आइए महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी जी की आरती उतारते हैं और भजन गाते हैं, तब आप लोग अच्छे हो जाएंगे। मिमिक्री बनाई हुई है पूरे देश, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, न बेरोजगारी पर प्रश्न हो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई बढ़ जाए देश में वहाँ कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है, मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप। मुझे अपने घर जाना है, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है, मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूँ और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूँ, यह होना चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी ने कही है, भाजपा के साथी बड़े कितना कितना बेचारा बन जाते हैं, असंभव, अरे वही चेयरमैन है ना, जब भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल पे काम करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, गरिमा का ख्याल नहीं रहता है, राज्यपाल होकर के जब किसी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह के बर्ताव करते हैं तो उस समय इनको शर्म नहीं आती है, ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है, सवाल नहीं पूछते हैं। अब आ गई ये किसान की बात, देखिए ना अचानक कितने बड़े वो किसान नेता बन गए हैं, 700 किसानों की इसी सड़क पे दिल्ली में आप भी जाकर के करती थी ना कवरेज, क्या हाल हुआ था 700 किसानों का, जान गई, शहीद हो गए, कभी भी शर्म नहीं आई किसी को इस देश में, भाजपा के लोगों को शर्म करो शर्म, जिस तरह से लाखों किसान लगातार साल भर चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो
रोड पर रहे, मरते रहे, वो जीते जीते या मर जाए उससे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ शर्म आया है? तब धनखड़ साहब को एक बार भी आवाज नहीं आई। उस समय वो किसान नेता नहीं थे, अब जाति भी आ गई याद उनको, धर्म भी आ गया। यही मिमिक्री है इस देश में जो बनाया जा रहा है। और मिमिक्री यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तब प्रतिबंध लगा दिया जाए ना। मिमिक्री पर प्रतिबंध है, अपराध है तो जरूर लगा देना चाहिए। सही पकड़े हैं अरविंद, सबकी बात हो जाए। अपराधियों पर चल ही रही है, उसको भी अपराध में डाल दे, लेकिन देश के संविधान को मत बदले। अब आए ना लाइन पे, मुझे अपने घर जाना है। मुझे